नमस्कार साथियों साथियों इस समय आप अपनी स्क्रीन पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी एक काफी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं जो कि 14 जून 2024 को प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर साथ ही साथ सीईओ जिला पंचायत सहित जिला परियोजना संचालक के लिए जारी हुआ है पत्र का विषय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है एफ अंतर्गत रिफ्रेशर थर्ड के शिक्षक प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण विषय हम यहाँ पर अवगत कराना चाहेंगे एक बार फिर कक्षा एक एवं दो अध्यापन कराने वाले शिक्षकों का एफ एल एन प्रशिक्षण पांच दिवसीय कराया जाएगा उसी को लेकर इसमें आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं आइए इनका अवलोकन करते हैं सबसे पहले पत्र में स्पष्ट किया गया है पूर्व में जो एफ एल एन को लेकर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिए जा चुके हैं उनका विवरण इसमें दिया गया है अभी तक तीन प्रशिक्षण रिफ्रेशर के रूप में दिए जा चुके हैं अब उसी क्रम में यहां पर हम स्पष्ट करना चाहेंगे हिंदी अंग्रेजी एवं गणित में इस वर्ष 2024 में भी कक्षा एक दो पढ़ाने वाले शिक्षकों का रिप्रेसर प्रशिक्षण राज्य पर दो दिवसीय और ब्लॉक स्तर पर पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण किया जाना है यानी कि जो विकासखंड स्तर पर होगा उसमें सभी विकासखंड के अंतर्गत कक्षा एक दो पढ़ाने वाले शिक्षक सम्मिलित होंगे जो पांच दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उक्त प्रशिक्षण हेतु दिनांक 18 जून को एक दिवस का जो एसआरसी है उनका प्रशिक्षण किया जा रहा है एसआरजी है उनका प्रशिक्षण किया जा रहा है विकास खंड स्तर पर जो प्रशिक्षण होंगे उनकी संभावित तिथियां इसमें दी हुई है पहला चरण एक से पांच जुलाई दो तक आयोजित होगा दूसरा चरण आठ से बारह जुलाई दो तक आयोजित होगा तीसरा चरण 22 से 26 जुलाई 2024 तक आयोजित होगा और चौथा चरण 29 जुलाई से दो अगस्त दो हजार चौबीस तक आयोजित किया जाएगा इस तरीके से जो एफ एल एन प्रशिक्षण है वह आयोजित होंगे इसमें एम टी चैन की प्रक्रिया दी हुई है स्पष्ट किया गया है एप एल एन के लिए पूर्व में प्रशिक्षित शिक्षकों को एम टी के रूप में लिया जाता है अतः प्रति विकास खंड छह सदस्य दो अंग्रेजी विषय के दो हिंदी दो गणित विषय के कुल प्रतिभागी तीन सौ बाईस गुणित छह एवं प्रत्येक जिले में एपीसी अकादमिक एवं प्रशिक्षण प्रभारी डाइट को भी प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु भेजा जाना है प्रत्येक विषय के लिए पृथक पृथक कक्ष निर्धारित किए गए विषयवार तिथिवार चरणवार एवं प्रशिक्षण स्थलवार समय सारणी निम्नानुसार है इसमें आप देखेंगे पहला चरण जो राज्य स्तर पर एम के रूप में जो प्रशिक्षण लेंगे उनको उन्नीस एवं बीस जून को प्रशिक्षण प्राप्त करना है राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान साक्षी ढाबे के पास भदवादा रोड भोपाल में इसमें मंडला सतना और आगर मालवा रहेंगे साथ ही साथ डाइट भोपाल में जो है उसमें मुरैना बड़वानी रायसेन रहेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा व्यावसायिक शिक्षण संस्थान में मुरैना बरवाड़ी और रायसेन रहेंगे द्वितीय चरण 21 बाईस जून इसमें जो मुख्य जिले हैं सिंगरौली रतलाम राजगढ़ नर्मदापुरम साथ ही साथ अनूपपुर गुना सीधी सीहोर अनूपपुर गुना सीधी सीहोर तीसरा चरण इस तीसरा चरण 24 से 25 जून को होगा इसमें बालाघाट खरगोन निवाड़ी बैतूल साजापुर इंदौर इस तरीके से ये जिले इसमें रहने वाले हैं साथ ही साथ दतिया सिवनी और शिवपुरी चरण सत्ताईस एवं अट्ठाईस जून को रहेगा इसमें उज्जैन ग्वालियर जबलपुर टीकमगढ़ धार और अशोकनगर जिले शामिल होंगे साथ ही साथ इसमें अलीराजपुर विदिशा और मंदसौर को भी शामिल किया गया है तो प्रत्येक चरण के अलग अलग जिले हैं पांचवें चरण में सागर नीमच दमोह रीवा कटनी सहडोल रीवा कटनी सहडोल के अतिरिक्त शिवपुर उमरिया देवास और भिंड छठवा चरण आप देखेंगे हरदा छिंदवाड़ा नरसिंहपुर डिंडोरी झाबुआ खंडवा डिंडोरी झाबुआ खंडवा के अतिरिक्त पन्ना भोपाल बुरानपुर और छतरपुर प्रशिक्षण का समय प्रति दिवस नौ तीस एम से पीएम रहेगा प्रथम दिवस नौ से नौ तीस तक प्रशिक्षण स्थल पर समस्त प्रतिभागियों का पंजीयन किया जाएगा अतः निर्धारित समय से प्रशिक्षण के प्रथम दिवस कम से कम एक घंटा पूर्व प्रशिक्षण प्रशिक्षण केंद्र पर उपस्थित हों किसी भी प्रतिभागी को शाम काल 6:00 पीएम पूर्व जाने की अनुमति नहीं होगी प्रशिक्षण के दौरान सुबह का नाश्ता चाय भोजन वर्किंग टी एवं रात्रि भोजन आदि की व्यवस्था प्रशिक्षण स्थल पर की गई है टीएडीए एएलएन के कैपेसिटी बिल्डिंग मद से दे होगा जिसकी व्य सीमा जारी की जाएगी इस तरीके से आप देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण पत्र शिक्षकों के को लेकर जारी किया गया है सबसे पहले एम के रूप में राज्य स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण होगा उसके बाद में कक्षा एक दो पढ़ाने वाले शिक्षकों का विकासखंड स्तर पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा तो साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मित्रों